हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का पुष्पलता किचन में। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ लोबिया मसाला। ये बहुत हेल्दी होता है, ये ज़रूर खाना चाहिए। ये बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सभी के लिए बहुत अच्छा होता है। तो मैं आज उसको एक टेस्टी वे में बनाऊँगी, तो आप लोग देखिए उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये मैंने लोबिया लिया है और इसको मैंने रात में भिगो दिया था, 1 बाउल लोबिया को। और फिर सुबह में मैंने इसको 3 व्हिसल लगा लिया था और अभी ये रखा है। और इसके लिए मैंने 2 ऑनियन, गार्लिक और जिंजर और ग्रीन चिली का पेस्ट बना लिया है, और 2 टोमेटो का पेस्ट बना लिया है। और तड़के के लिए मैंने ये जीरा और हींग और ये 2 तेज़पत्ता, काली मिर्च और एक दालचीनी का टुकड़ा और एक बड़ी इलायची, और ये बनाने के लिए तेल और धनिया डालने के लिए। मसाले में फ्रेंड्स हम लेंगे ये 2 चम्मच धनिया पाउडर, ये है किचन किंग मसाला 1 चम्मच, और आधा चम्मच गरम मसाला और आधा चम्मच हल्दी और टेस्ट के अनुसार नमक। तो फ्रेंड्स चलिए बनाते हैं लोबिया मसाला। फ्रेंड्स हमने कढ़ाई को गरम कर लिया है, अब इसमें हम ऑयल डालेंगे। जब मेरा ऑयल गरम हो जाएगा फिर मैं इसके अंदर खड़े मसाले और जीरा ऐड करूंगी। अभी गरम नहीं हुआ है ऑयल, तो अभी गरम हो जाए। फ्रेंड्स ये मेरा तड़का हो गया है, तो अब इसके अंदर मैं आँच को कम करके और फिर मैं इसमें हल्दी, आँच फ्लेम हम कम कर देंगे, और रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे। इसको ऑयल में डालने से सब्जी का कलर बहुत अच्छा आता है, इसलिए आप कम करके इसको डालें। फिर इसके अंदर मैं जिंजर गार्लिक और ओनियन का पेस्ट ऐड करूंगी। देखिए फ्रेंड्स, इसको मैं अच्छे से भून लूंगी। जब मेरे प्याज अच्छे से भून जाएगी फिर इसके अंदर मैं मसाले ऐड करके फिर मैं इसमें टोमेटो पेस्ट को ऐड करूंगी। फ्रेंड्स अब इसके अंदर ही मैं अपने धनिया पाउडर और किचन किंग मसाला को ऐड कर लूंगी। गरम मसाला मैं लास्ट में ऐड करूंगी। अब इसको मैं अच्छे से भून लूंगी। फ्रेंड्स अब मेरा ये मसाला ऑनियन भून गया है अच्छे से। अब इसके अंदर मैं अपना टोमेटो का पेस्ट ऐड करूंगी। इसको भी मैं अच्छे से ऑयल छोड़ने तक अच्छे से पका लूंगी, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। फ्रेंड्स इसमें मैं 1 चम्मच घर की मलाई हो या दही हो उसको आंच का फ्लेम कम करके और मैं इसके अंदर ऐड करूंगी और इसको मिक्स कर लूंगी अच्छे से। आप दही भी ऐड कर सकते हैं और आप मलाई भी ऐड कर सकते हैं, आपके चॉइस के ऊपर है, आपको क्या पसंद है वो आप ऐड कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स मसाला अब मेरा अच्छे से भून गया है। अब इसके अंदर मैं अपना लोबिया को ऐड कर लूंगी और इसको मिक्स कर लेंगे। जितना आपको ग्रेवी रखना हो उस हिसाब से आप इसका पानी ऐड कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स मसाले में लोबिया अच्छे से मिल गया है। अब इसके अंदर आप जितना ग्रेवी रखना चाहते हैं उतना वाटर ऐड करके आप उसको थोड़ी देर पका लीजिए। फ्रेंड्स स्वाद के अनुसार नमक ऐड करके और मिक्स करके, देखिए फ्रेंड्स मैंने ऐसी ग्रेवी रखी है क्योंकि मुझे राइस के साथ खाना है, और आप तो कम भी कर सकते हैं ज़्यादा भी कर सकते हैं, जैसा आपको पसंद हो वैसा। अब इसको मैं 5 मिनट के लिए पका लूँगी, मसाला अच्छे से कवर करके अच्छे से हो जाए, फिर मैं आपको दिखाती हूँ सर्व करके। फ्रेंड्स मेरा लोबिया रेडी है,
लोबिया मसाला। अब इसके अंदर मैं गरम मसाला करके थोड़ी देर मिक्स करके और फिर मैं बंद कर दूंगी गैस को और मैं सर्व करके आपको दिखाऊंगी। गरम मसाला लास्ट में डालने से खुशबू अच्छी आती है, तो इसलिए मैं लास्ट में ऐड करती हूँ। फ्रेंड्स, मेरा लोबिया मसाला रेडी है। आप देखिए कितना अच्छा बना है, कितना टेस्टी दिख रहा है। अगर फ्रेंड्स आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, और आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो फ्रेंड्स प्लीज़ ज़रूर लाइक और कमेंट शेयर ज़रूर करें, और नेक्स्ट रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और थैंक यू फ्रेंड्स, नेक्स्ट रेसिपी के आने तक बाय बाय फ्रेंड्स।